हाय फ्रेंड्स, आई एम राकेश गोस्वामी, वेलकम टू YSS माइंड। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे क्लास 9th, ठीक है, साइंस जो चैप्टर 1 रहेगा, पार्ट 1। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे क्लास 9th चैप्टर 1 और पार्ट 1, ठीक है, और जिस चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है। मैटर मींस क्या होता है? पदार्थ होता है। सराउंडिंग मींस आसपास, आवर मींस हमारे, हमारे आसपास के पदार्थ, मतलब मैटर इन आवर सराउंडिंग। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं पदार्थ कहते किसे, ठीक है। पदार्थ का मतलब होता है वह स्थान, वह वस्तु जो स्थान घेरता हो, जिसका एक द्रव्यमान हो, ठीक है। वह वस्तु जो स्थान घेरता हो और जिसका एक द्रव्यमान हो, वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। देख लेते हैं पदार्थ के बारे में। पदार्थ तो देखिए, पदार्थ का डिफिनेशन है, और पदार्थ देख लेते हैं। पदार्थ हमारे जो हमारे आसपास, आसपास मीन्स आप समझ रहे हैं, जहां आप लोग बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, मोबाइल भी एक तो आपके पदार्थ के रूप में हो गया, ठीक है, मोबाइल पदार्थ के रूप में हो गया, मेज हो गया, कुर्सी हो गया, डस्टर हो गया, मार्कर हो गया, व्हाइट बोर्ड हो गया, ठीक है, कॉपी किताब हो गए, सब क्या है? पदार्थ है। पदार्थ क्या? पदार्थ स्थान घेरते हैं, जिनका एक द्रव्यमान होता है, वो क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं? पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे आपको बताएं, जैसे मोबाइल भी एक तो पदार्थ है, मोबाइल में एक पार्टिकल नहीं है, मोबाइल में कई पार्टिकल हैं, उसमें देख रहे हैं, जैसे बैटरी अलग है, डिस्प्ले अलग है, टच अलग है, ठीक है, वो भी एक तो मोबाइल है, लेकिन मोबाइल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर एक तो मोबाइल का रूप दिया गया। ठीक उसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में, जो पदार्थ के कणों, जैसे छोटे छोटे कण होते हैं ना, बताएं, जैसे मोबाइल हो गया, मोबाइल बनाए छोटे छोटे कणों से मिलकर एक मोबाइल का ढांचा दिया गया, वैसे ही पदार्थ होते हैं। तो पदार्थ के भी कुछ गुणधर्म होते हैं, पदार्थ के एग्जाम्पल बता दिए, पदार्थ के भी कुछ कण होते हैं, पदार्थ के कण के गुणधर्म होते हैं। जो पदार्थ के कण के गुणधर्म होते हैं वो बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं, पहला होता है पदार्थ के गुणधर्म में, जो पहला गुण होता है, जो होता है पदार्थों के बीच रिक्त स्थान, ठीक है। और दूसरा होता है पदार्थों के कणों के बीच निरंतर गतिशीलता, ठीक है। ये कणों का हम लोग गुणधर्म पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कणों के गुणधर्म पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे पदार्थों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जैसे कणों के बीच जब कहा जाए तो उसमें कई कण होंगे जो उसके एक दूसरे से बीच के रिक्त स्थान पूछा जा रहा है। जो एक कण हो गया, देखिए एक कण ये हो गया और एक कण हो गया, तो ये बीच के जो स्थान है ये हमारा क्या है? रिक्त स्थान है, ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान हो गया। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ के कणों के बीच निरंतर गतिशीलता। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ के कण एक दूसरे को कैसे आकर्षित करते हैं, ठीक है। हम लोग पदार्थ के सबसे पहले डिफिनेशन देख लिए, उसके एग्जांपल देख लिए, फिर पदार्थ के कण क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। पार्टिकल के हम लोग गुण देख लिए, जिसमें पहला गुण था पदार्थों के बीच स्पेस, ठीक है, और दूसरा हम लोग पढ़ लिए पदार्थों के बीच गतिशीलता, पढ़े मोमेंट पढ़ लिए, फिर हम लोग तीसरा पढ़ेंगे पदार्थों के बीच एक दूसरे को ऑब्जर्व करने की कंडीशन, ठीक है। और पदार्थ हम लोग समझ लेते हैं, पदार्थ के बेसिक रूप से पांच प्रकार के पदार्थ होते हैं, ठीक है, बेसिक रूप से पांच प्रकार के पदार्थ होते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग क्लास नाइन्थ में हम लोग तीन ही प्रकार के पदार्थ पढ़ेंगे, जो पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, और तीसरा होता है गैस, ठोस, द्रव और गैस, और जो चौथा होता है प्लाज्मा होता है, और पांचवा जो होता है बोस आइंस्टाइन होता है, जो हमको बोस आइंस्टाइन और प्लाज्मा नहीं पढ़ना है, तीन ही प्रकार को हम लोग को पढ़ना है मैटर, जो पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस, ठीक है। सबसे पहले सॉलिड को समझ लेते हैं, पदार्थ के कणों के गुणधर्म में जिसमें रिक्त स्थान सबसे ज्यादा ठोस में होता है कि द्रव में होता है कि गैस में होता है, इसमें सबसे पहले कणों के गुणधर्म में जो पहला हम लोग पढ़ेंगे रिक्त स्थान, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका तीनों फिगर बना देते हैं, सॉलिड का, एक तो लिक्विड का और गैस का, इसके अंदर पार्टिकल का चित्र बना देते हैं। जो सॉलिड क्या होता है, सॉलिड एक दूसरे से एब्जॉर्ब होते हैं,
जो सॉलिड में पार्टिकल होते हैं वो ज्यादा क्लोजली होते हैं, पास पास होते हैं, और ज्यादा उससे बिखरे हुए द्रव में होते हैं। सबसे ज्यादा बिखरे हुए जो पार्टिकल होते हैं गैस में होते हैं। देखिए बना देते हैं, पहले सॉलिड बना रहे हैं, सॉलिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है, सॉलिड हो गया, ठीक है, लिक्विड हो गया, और ये आपका गैस हो गया। सॉलिड में जो पार्टिकल क्या होते हैं ज्यादा क्लोजली होते हैं, क्लोजली मीन्स पास पास होते हैं इसके पार्टिकल, जिसके कण होते हैं ठोस में, इसके कण होते हैं ज्यादा पास पास होते हैं इसके सराउंडिंग में, ठीक है, हो गया आपका सॉलिड होगा। सॉलिड मींस ठोस, ठीक है। अब हम देख लेते हैं लिक्विड को, ठीक है, लिक्विड 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 के पार्टिकल क्या होते हैं ठोस से थोड़ा बिखरे हुए, और द्रव से क्या होता है क्लोजली होते हैं, द्रव से क्लोजली होते हैं, ठोस से बिखरे हुए, और सॉरी गैस से क्लोजली होते हैं जो इसके पार्टिकल यानी कण होते हैं। देखिए और ये देखिए ये सॉलिड हो गया, सॉलिड नहीं लिक्विड हो गया, लिक्विड मीन्स द्रव। ठोस के जो पार्टिकल होते हैं ज्यादा क्लोजली होते हैं, लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं ठोस से थोड़ा बिखरे हुए होते हैं, ठीक है, लिक्विड के, और गैस का ठोस और द्रव से भी ज्यादा बिखरे होते हैं, किसके, गैस का, जो इसके पार्टिकल होते हैं ज्यादा दूर दूर होते हैं। गैस हो गया, ठीक है। सबसे पहले हम लोग मैटर का डिफिनेशन देख लिए, फिर मैटर जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, पार्टिकल उसके पार्टिकल होते हैं कण कण के गुणधर्म देख लिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसमें तीन प्रकार के होते हैं, पहला रिक्त स्थान होता है, दूसरा होता है उसमें गतिशीलता होता है, और तीसरा एक दूसरे को आकर्षण करने का गुण होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे रिक्त स्थान के बारे में। तो जो सॉलिड होता है इसमें क्या होता है रिक्त स्थान कम होता है, रिक्त स्थान किसको बोलते हैं, यानी दो मॉलिक्यूल के बीच में जो स्थान बचता है उसी को क्या बोलते हैं रिक्त स्थान बोलते हैं। तो जो सॉलिड होता है उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं पार्टिकल होते हैं वो ज्यादा क्लोजली होते हैं, एक दूसरे से बंधे होते हैं, इसीलिए इसमें क्या होता है सॉलिड में रिक्त स्थान कम होता है, लेकिन द्रव में सॉलिड से ज्यादा और लिक्विड से कम, गैस से कम होता है, सॉलिड से ज्यादा और गैस से कम होता है द्रव में इसके रिक्त स्थान, ठीक है, और गैस में क्या होता है गैस में सबसे ज्यादा अधिक होते हैं, जैसे गैस में ज्यादा इसके क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल पार्टिकल्स ज्यादा दूर दूर होते हैं, ठीक है। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे इसमें गतिशीलता, पदार्थ के कणों में निरंतर गतिशीलता होती है, जैसे इसमें सबसे ज्यादा गतिशीलता ठोस में हुआ कि द्रव में हुआ कि गैस में हुआ, ठीक है, ठोस में हुआ कि द्रव में हुआ कि गैस में हुआ, मार्कर में इंक नहीं है का, दूसरा वाला मार्कर यूज कर, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं इसमें सबसे ज्यादा सराउंडिंग में कौन घूमता है, यानी कौन गति सबसे ज्यादा करता है, आपको शायद वैसे ही पता होगा कि जितना ही ज्यादा एरिया बड़ा होता है उसमें ज्यादा घूमने की ज्यादा मौज होती है। जैसे हम लोग का रूम है, इस समय कोरोना का कहर है, तो अपने घर में जितने भी रूम है उसी में बस टहल रहे हैं, अपने छत पर टहल रहे हैं, अपने बरामदे में टहल रहे हैं, लेकिन अगर कोरोना का कहर नहीं होता तो वही लड़के पार्क में स्टेडियम में क्रिकेट खेलते हैं, अलग अलग जगहों पर क्रिकेट खेलते, तो ये क्या हो गया आपका मूवमेंट यानी गति करने की विधि हो गई, ठीक है। वैसे कणों का भी होता है, इसमें जिसमें सबसे ज्यादा स्पेस होगा वही ज्यादा उसके सराउंडिंग में गति करेंगे। तो वैसे हम आपको पहले ही बता दिए जो सॉलिड होता है इसका पार्टिकल क्या होता है एक दूसरे से बहुत क्लोजली होता है, लिक्विड होता है इसका पार्टिकल थोड़ा सॉलिड से कम और गैस से ज्यादा इसका पार्टिकल क्लोजली होता है, और गैस क्या होता है गैस में ज्यादा इसका पार्टिकल ज्यादा बिखरे हुए होते हैं, कण बिखरे हुए होते हैं, ठीक है। तो वैसे शायद आपको पता होगा कि इसमें सबसे ज्यादा
जो होगा मूवमेंट करने की गतिशीलता सबसे ज्यादा किसमें होगी, जिसके कण दूर दूर हो गया। कण किसके दूर दूर होते हैं, सबसे ज्यादा कण गैस के दूर दूर होते हैं, तो सबसे ज्यादा जो गतिशीलता होती है गैस की होती है, फिर द्रव की होती है, और फिर सॉलिड की होती है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ के कण एक दूसरे को कैसे आकर्षित करते हैं। ठीक है, आकर्षित करते हैं, और आकर्षित मीन्स क्या होता है, आकर्षित मीन्स पास पास, पदार्थ के कण एक दूसरे को कैसे आकर्षित करते हैं, आकर्षित मीन्स किसके कण पास पास होते हैं। जैसे इस चित्र से ही पता लग गया होगा कि पदार्थ के कण जो होते हैं एक दूसरे को सबसे ज्यादा पास पास किस में होता है, सॉलिड में होता है। देखिए इसमें सॉलिड में कम स्पेस है, सबसे ज्यादा एक दूसरे से क्लोजली है। ठीक है, एक दूसरे से सॉलिड में क्लोजली है, तो इसके कण क्या होते हैं, सबसे ज्यादा क्लोजली कण पास पास ठोस में होते हैं, फिर लिक्विड में होते हैं, और फिर गैस में होते हैं। सबसे कम पास पास जो होते हैं पार्टिकल ज्यादा बिखरे हुए इसमें होते हैं, गैस में होते हैं, इसके पास पास पार्टिकल नहीं होते हैं। जैसा कि हमने शुरू से बताया कि हमारे आसपास के पदार्थ मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसके मैटर की परिभाषा बता दिए, फिर इसका परिभाषा बता दिए, डिफिनेशन बताने के बाद इसका एग्जाम्पल बता दिए, और फिर जो मैटर होता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। पार्टिकल तीन प्रकार का होता है, पार्टिकल के हम लोग कणों के गुणधर्म पढ़ रहे थे। ठीक है, कणों के गुणधर्म में जो पहला हम लोग पढ़े उसका स्थान, रिक्त स्थान के बारे में बात किए, दूसरा जो होता था दूसरा गतिशीलता के बारे में बात की, और तीसरा एक दूसरे को आकर्षित करने के गुणों के बारे में बात किए। अब हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ेंगे, पदार्थ कौन कौन से फॉर्म में हो सकता है। सबसे पहले फॉर्म में होता है सॉलिड फॉर्म में होता है, फिर लिक्विड फॉर्म में होता है, फिर गैस फॉर्म में होता है। ठीक है, यही देख लिया, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, और गैस हो गया। ठीक है, सॉलिड में इसका क्या होता है, आकार निश्चित होता है। जैसे मान कर चलिए कोई भी हो गया, यहाँ डस्टर है, तो डस्टर का देखिए आकार एक निश्चित है, सेफ या इसका बेस दोनों इसका क्या है, इसका आकार निश्चित है। और वहीं देखिए लिक्विड हो गया, लिक्विड मगर मान कर चलिए यहाँ गिलास है और गिलास में पानी है। ठीक है, गिलास में पानी है, तो इस फॉर्म में, गिलास के फॉर्म में यही अगर इसको किसी बर्तन में रख दिया जाए, स्टील के बर्तन में, तो उस फॉर्म में हो जाए तो इसका क्या है, आकार अनिश्चित होता है। अगर इसको जिस फॉर्म में ढाला जाए लिक्विड को, उस फॉर्म में ढल सकता है। वही गैस का आकार होता है, गैस का आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, गैस का आकार वहां भी अनिश्चित होता है, लेकिन गैस को कहा जाए कि हम एक ठो बंद कमरे में बंद कर दे या बॉटल में बंद कर दे तो बंद नहीं होता है, लेकिन वो प्रेशर द्वारा, जैसे एलपीजी गैस हो गया, सीएनजी गैस होगा, उसको भरवाया जाता है, एक दूसरे को उसको प्रेशर से दबा जाता है। ठीक है, अगर उसको छोड़ दिया जाए वायु में तो तुरंत बिखर जाएंगे। ठीक है, और दूसरा देखिए, हम लोग इसके आकार के बारे में डिस्कस कर लिए, और बीमाएं के बारे में डिस्कस करेंगे। बीमाएं मीन्स इसकी जो होती है, जो सॉलिड का बीमाएं होती है वो निश्चित होती है, और लिक्विड का जो बीमाएं होती है वो अनिश्चित होती है। ठीक है, अनिश्चित होती है, और फिर गैस की जो बीमाएं होती है वहां भी अनिश्चित होती है। ठीक है, और इसके कठोरता में बात करेंगे, तो कठोरता में बात करेंगे, यानी कठोर सबसे ज्यादा इसमें कठोर कौन है। ठीक है, जो सॉलिड होता है, सॉलिड कठोर मीन्स क्या होता है, जिसको दाबने से दबे ना, जैसे सॉलिड है, जैसे सॉलिड है, सॉलिड मीन्स एडेस्टर है, सॉलिड में एडेस्टर सॉलिड है, तो इसको दबाएंगे तो दबेगा नहीं, कितना हूं अब दबाएंगे तो ये दबेगा नहीं, इसकी एक तो रोकने की क्षमता होती है। तो सॉलिड में क्या होता है, दबाव नहीं होता, दबाव कठोर होता है, दबाव कम होता है। और यही जो लिक्विड है, लिक्विड में बहाव होता है, जैसे यही पानी था, अगर यहीं से अगर नीचे से यहाँ से गिराया जाए तो ये गिरेगा, तो इसमें क्या है, बहाव है, फ्लो होगा। वही देखेंगे तो आप गैस में भी फ्लो होता है, गैस में फ्लो मीन्स अगर उसको छोड़ दिया जाए, गैस के बॉटल को खोल दिया जाए, एलपीजी गैस को, तो तुरंत बहाव के ऊपर में ऑक्सीजन वायुमंडल में उड़ जाएगा। ठीक है, देखिए, और फिर हम लोग इसके आयतन के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो इसकी आयतन निश्चित होती है, इसकी आयतन निश्चित होती है, और गैस की आयतन अनिश्चित होती है। तो क्लास एट्थ में ही पढ़े होंगे, सिक्स सेवन एट्थ में, कि गैस का आकार अनिश्चित होता है, ठोस और आयतन का आकार निश्चित होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सनफीडर। ठीक है, सनफीडर के रूप में, सनफीडर्स में हो गया आपका, एक ठोस होता है, असंपीडस होता है, और इसमें कम संपीडस होता है, और इसमें सबसे अधिक संपीडक होता है। ठीक है, पढ़ लिया, और इसके प्रकार तो पहले ही बता दिए, प्रकार मीन्स यानी इसका एग्जांपल बता दिए थे पहले ही, सॉलिड में हो गया आपका, सॉलिड में जैसे गैस्टर हो गया, मेज हो गया, चौकी हो गया, फिर आपका मोबाइल हो गया, व्हाइट बोर्ड हो गया, और फिर लिक्विड में आप पढ़ लेंगे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया,
ETC, फिर वैसे गैस में पढ़ लिया CNG हो गया, LPG हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, गैस की हो गया। फिर हम लोग अब दूसरे फॉर्म में बात करेंगे, दूसरे अब लेक्चर में बात होगा। इसको देखिए जो मैटर इन आवर सराउंडिंग है इसको छोटे छोटे पार्ट में बना रहे हैं 10-10 वीडियो के, क्योंकि व्यूज तो आ रहे हैं पर पूरा वीडियो देख नहीं रहे हैं। तो इसलिए भाई रिक्वेस्ट है आप सभी से, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा तक देखें, और इसमें कुछ अगर फंसे तो, कुछ अगर ना आवे तो इसके लिए कमेंट करें, अगर अच्छा लगे तो कमेंट करें, ना कुछ आवे तो भी कमेंट करें, अगर ना टीचिंग स्टाइल हो तो उसको बोलिए तो चेंज किया जाए उसके बाद। चैनल को पे नए आप तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए, ठीक है। और कोरोना का कहर सेफ होम एंड सेफ होम, ठीक है, घर पर रहिए सुरक्षित रहिए, स्टे होम एंड सेफ होम, ठीक है, घर पर रहिए सुरक्षित रहिए। ओके, बाय बाय।